खबर डबरा से है, जहां प्रवासी मजदूरों ने ग्वालियर और दतिया जिले की सीमा में पहुंचकर NH-75 जाम किया है। दतिया प्रशासन द्वारा जिले की सीमा में ना घुसने देने से गुस्साए मजदूरों ने सिंध नदी के पुल पर बैठकर लगाया जाम। डबरा प्रशासन ने मौके पर मजदूरों को दी समझाइश। स्कूल में रुकाकर डबरा प्रशासन द्वारा किया जा रहा है मजदूरों को घरों तक भेजने की व्यवस्था। सीमा में पहुंचे सभी मजदूर झांसी, कटनी, बांदा, छतरपुर के मजदूरों की संख्या लगभग 300 से 400 है, साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वहीं पर प्रशासन के आश्वासन के बाद सभी प्रवासी मजदूरों को मॉडल स्कूल की 2 मंजिला बिल्डिंग में ठहराया गया है, जहां उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के लिए प्रशासन वाहनों का भी इंतजाम करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। पास सुनोगे यहाँ से, यहाँ तो तुम्हें हटना पड़ेगा यहाँ से, तो अच्छा, क्योंकि बाहर लौट के आएंगे। वो भी कर लिए, देख कौन क्या चिल्ला रहा है अंदर, आराम से करने से कोई दिक्कत धूप के बाग रहे हैं। अरे अल्लाह शांत करो, शांत रहो, बस बैठे रहो आराम से, आसन लगा तुम बैठे रहो बस। हमारे छह बच्चे बैठे सब तरफ रहे, तुमसे पैसे क्या करो, क्या मिल रहा पानी ना मिल सरकार का लक्ष्मी का।